सिस्टर ये इसमें रोलर हैं जिसके ऊपर पेशेंट रोल करता है, तो शिफ्टिंग बहुत इजी हो जाती है, पेशेंट को लिफ्ट नहीं करना पड़ता है। पेशेंट को जब सर्जरी के बाद हम बेड पे लेके आते हैं, अटेंडेंट को कई बार नहीं पता होता कि पेशेंट की पोजीशन कैसे चेंज करनी है, कैसे एक्सरसाइज करनी है, तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। पहली चीज़ होती है पेल्विक लिफ्टिंग एक्सरसाइज। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो पेशेंट खुद कर सकता है। ये घुटना मोड़ो, ये इनका नॉर्मल लेग है, ये ऑपरेटेड साइड है, तो आप इसको थोड़ा सा हवा में, इस पैर के ऊपर प्रेशर ना आए तो हम इस पैर को थोड़ा सा लिफ्ट कर लेते हैं, अटेंडेंट लिफ्ट करते हैं और इसकी सपोर्ट से पेल्विस को लिफ्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 छोड़ दीजिए, अगेन 1 2 3 4 5। इस एक्सरसाइज के दो फायदे हैं, एक तो ये कि हमारी जो ये मसल्स हैं ये एक्टिव हो जाती हैं, ये मसल स्ट्रांग हो जाती हैं। दूसरा, नीचे क्योंकि पेशेंट कई घंटे तक सीधा लेटा रहता है तो नीचे कोई बेड सोर या पेन या इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। दूसरी सबसे बड़ा क्वेश्चन पेशेंट का होता है कि हम करवट कैसे लें, तो करवट लेने का तरीका ये है, जिस तरफ हमने सर्जरी की है उस तरफ करवट नहीं लेना है, फिर ड्रेन ऊपर। ये ड्रेन पाइप होता है, हमें इसका ध्यान रखना है, करवट लेने से पहले इसको हमें फ्री करना होता है, अदरवाइज तो ये पुल आउट हो सकती है। तो इसमें कैसे करते हैं, ये नहीं बेंड करें, ये नहीं बेंड करें, हाँ रिलैक्स, थोड़ा सा सपोर्ट करो, बस दोनों नहीं बेंड करेंगे। जो पिलो है वो थाइस के बीच में ऐसे लगाना है, ठीक है, आप दोनों ऐसे पैर इसको पकड़ लीजिए पिलो, ठीक है, आपने ये पकड़ छोड़ दीजिए। तो पेशेंट पिलो को स्क्वीज करता है और फिर एक साथ ऐसे कर देते हैं। ये बहुत इजी है, तो इससे क्या है कि हम पीछे स्किन केयर कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, पीछे सैनिटाइजर या पाउडर लगा सकते हैं ताकि पेशेंट की जो बैक की स्किन है उसको थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस मिले, और पेशेंट सीधे लेटे लेटे परेशान होता है तो करवट लेने से उनको थोड़ा आराम मिले। उस तरफ करवट अभी नहीं ले सकते 6 वीक्स तक, वो उसके बाद शुरू करेंगे। जब सीधा लेटाना है पेशेंट को तो ऐसे ही सिंगल पीस पेशेंट अपने आप आते हैं, पैर को स्ट्रेट करेंगे, नहीं पैर को स्ट्रेट करेंगे और पिलो को निकाल। तो ये टेक्निक है, जो बेसिक चीज़ है जो बेड में जो अटेंडेंट भी केयर कर सकते हैं, इसके लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। एक और प्रॉब्लम होती है कि पेशेंट के अटेंडेंट को नहीं पता होता कि पेशेंट को सिटिंग कैसे करानी है, तो उसमें क्या करना है, जो ऑपरेटिंग साइड है उसको हम एक हाथ से यहाँ से वेस्ट पे, दूसरे हाथ से एंकल से ऐसे पकड़ते हैं, बैठना इसे सपोर्ट कर, और पेशेंट की बॉडी को पूरा धीरे धीरे ऐसे रोटेट करते हैं। इस पैर को मैंने पूरा होल्ड किया हुआ है ताकि रोटेशन ना हो, आई और आइए थोड़ा सा आइए, ऐसे घूम ऐसे रोटेट करें, तो बहुत इजी है। पेशेंट जब भी चाहें ऐसे बैठ सकते हैं, जब भी खाना खाना है ऐसे बैठना है, लेटे लेटे खाना नहीं खाना होता। बैक को कैसे, लिफ्ट करो तो उसको पुल करें, नॉर्मल लेग में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, थाई और लेग बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, लेकिन जब क्वाड्रिसेप्स वीक होती है तो ये होना मुश्किल होता है। इसको करें, पेशेंट को इधर प्रॉब्लम है, मसल्स वीक हैं, तो ये देखिए लेग पूरा यहाँ तक नहीं आ पाता, लेग इतना ही रह जाता है, इसी को हम एक्सटेंशन लेग कहते हैं। तो इसको इनिशियली हम सपोर्ट करते हैं, होल्ड करो यहाँ पे होल्ड, और पेशेंट उसको होल्ड करता है जैसे उन्होंने किया, लेकिन ज़्यादा देर तक उसको मेंटेन नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ वीकनेस है। तो जैसे जैसे हम क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग करेंगे एक्सटेंशन लेग कम होता जाएगा और पेशेंट ज़्यादा देर तक होल्ड करेगा। अगेन राइट साइड में देखिए कितना अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट है लेग और थाई बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में है और पेशेंट बड़े आराम से मेंटेन कर रहा है। रिलैक्स, लेग शेक कर रही है और नीचे रह जाता है, तो हमें हेल्प करना पड़ता है पेशेंट को। पहले हम हेल्प करते हैं, पूरा एक्सटेंशन करते हैं, स्ट्रेट लाइन में लेके आते हैं,
पेशेंट होल्ड करता है, काफ़ी एफर्ट करना पड़ता है और कुछ सेकंड में ही पैर रिलैक्स हो जाता है बिकॉज अभी पावर नहीं। पेशेंट के कॉर्डिसेप्स में थोड़ी वीकनेस है, उसके लिए हम ये एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। जैसे हमने बताया था कि मसल वेस्टिंग है लेफ्ट साइड में, तो उसके लिए ये एक्सरसाइज है जो हम कराते हैं पेशेंट को। एक पिलो हम नी के नीचे रखते हैं और पेशेंट को नी प्रेस करने के लिए, टोज को पुल करने के लिए और हील को लिफ्ट करने के लिए बोलते हैं। ऑल द टाइम पिलो के ऊपर प्रेशर रहना चाहिए, लेग को यहाँ से लिफ्ट नहीं करना है, उससे नुकसान होता है। हमें नी से लेग को लिफ्ट करना है। रिलैक्स करें अगेन। तो इस तरह से पेशेंट नी को प्रेस करता है, हील को लिफ्ट करते हैं, टोज को ऊपर की तरफ पुल करना है। तो तीन सेगमेंट है, रिलैक्स रिलैक्स। ये देखिए हमारा जो नी कैप है बिल्कुल सॉफ्ट है, मैं नी कैप को मूव कर पा रहा हूँ, दैट मीन्स कि मसल रिलैक्स्ड है। जब पेशेंट कॉन्ट्रैक्ट करेगा मसल को तो नी कैप बिल्कुल सॉलिड हो जाना चाहिए। तो पहली चीज़ नी को प्रेस करेंगे, सेकंड हील को लिफ्ट करेंगे, टोज को ऊपर की तरफ पुल करेंगे, ऐसे 10 सेकंड तक मेंटेन करेंगे। अब यहाँ देखिए कि जो नी कैप है इसको मैं हिला नहीं पा रहा हूँ, दैट मीन्स मसल प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्टेड है। आप मसल की कॉन्ट्रैक्शन भी देख सकते हैं। रिलैक्स करो, एक बार रिलैक्स करो, अब करिए कॉन्ट्रैक्ट। ये देखिए मसल पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, दैट मीन्स पूरी मसल एंगेज हो रही है। इसको 100-200 टाइम्स पर डे करना है, कुछ महीनों में मसल अपने आप नॉर्मल आएगी और पेशेंट की जो चाल है वो बिल्कुल बराबर हो जाएगी। तो पेशेंट को जब वापस बेड पर लेटाना है तो हमने इस लेग को सपोर्ट करना है जो ऑपरेटेड साइड है। चलिए चलिए इसको सपोर्ट करना है, एक हाथ नी के नीचे एक हाथ एंकल के नीचे। इससे पेशेंट को बिल्कुल दर्द नहीं होता है और वो डरते नहीं है बार बार बैठने और वापस लाने। बैक को कैसे क्लीन करना है, हम कॉटन लेंगे, उसमें स्पिरिट लेंगे और उसको पूरा नेक से लेकर और हिप्स तक पूरा क्लीन करें। इसके दो फायदे होते हैं, एक तो पेशेंट क्योंकि अभी नहा नहीं सकते हैं तो बैक पर जो पसीना आता है या जो गंदा हो जाता है वो साफ़ हो जाता है। दूसरा, स्पिरिट से वैसोडायलेशन होती है, यानी कि जो ब्लड सर्कुलेशन है स्किन का वो बेटर हो जाता है, तो पेशेंट को बेड सोर के चांसेस नहीं होते। सेंटर में नीचे तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पेशेंट का एक नर्सिंग केयर हमें खुद करना है, घर जाने के बाद भी करना है और यहीं से सीखना है उस चीज़ को, यहीं से रिहर्सल करनी है, यहीं से देखना है कि हमारा स्टाफ कैसे करता है और अटेंडेंट को खुद भी करना चाहिए।